So hi everyone, welcome to my channel, and for today we will be discussing The Nature of Drama by George J. Watson, and it is going to be an explanatory video. So let's begin with this. First of all, we have is the learning objective. So in learning objective we have is George J. Watson drama and introduction is 1983 and is a comprehensive guide on the dramatic art form. So सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि what is dramatic art form. So dramatic art form है क्या, because most of the बच्चों को इस चीज के बारे में जो मेन मतलब शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स होते हैं इनके बारे में नहीं पता होता. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ड्रामेटिक आर्ट्स. सो ड्रामेटिक आर्ट्स जो एक स्टोरी हमारे को बताती है, टेल्स अस अ स्टोरी ऑन स्टेज थ्रू एक्शंस, जो कि लाइक हम कहते हैं ना रियल लाइफ परफॉर्मेंस हो रही है, लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही है, मतलब कोई इसमें ये नहीं बनावटी चीज नहीं है, उसमें रियल में आपको हर चीज दिखाई जा रही है. जो ड्रामेटिक आर्ट्स है आर वन टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिंग पेंटोमाइम एंड पपेट्री. मतलब जो रियल में हो रहा है, जो सब कुछ एक्टिंग वगैरह जो भी हो रहा है, जो आपको रियल में एज अ ऑडियंस आप उसे वॉच कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो, एंड आप उसे परफॉर्म होते हुए पूरा लाइक सी मतलब पूरा ऑब्जर्व कर सकते हो. जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस परफॉर्मिंग आर्ट्स में. एंड ऑल परफॉर्मेंसेज जो है वो प्रेजेंट की जाती है इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. तो ऐसा नहीं होता कि एक रूम में बंद रूम में जो है ये शूट किया जा रहा है एंड बाद में आपको दिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता. ये एक लाइव परफॉर्मेंसेज होती है. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये अनलाइक फिल्म टेलीविजन, सो ड्रामेटिक आर्ट जो है इसको परफॉर्म किया जाता है लाइव. तो ऐसा नहीं है कि फिल्म वगैरह की तरह इसको रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दिया गया. सो ये परफॉर्म आपको लाइव आपके सामने जो है लाइव परफॉर्म किया जाता है. सो इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव समरी के बारे में इसमें, सो जो जॉर्ज जे वॉटसन है इसमें वैसे पूरा डीपली भी पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में. सो द नेचर ऑफ ड्रामा ये इनका फर्स्ट चैप्टर है ऑफ हिज बुक ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन. सो इनकी जो ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन 1983 की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द नेचर ऑफ ड्रामा. जो चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है द ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म्स, एंड ये हमारे को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में मेजर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ ड्रामा विद जो हमारे को फुल इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स एंड डिफरेंट लिटरेरी कल्चर्स, बिगनिंग ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड एब्सर्डिस्ट प्ले. एब्सर्डिस्ट प्ले मोस्टली वो होते हैं जिसमें हम बिलीव नहीं कर सकते क्या वो रियल है या फिर क्या वो एज इन फेक तो नहीं कहेंगे बट क्या वो उसको बनावटी है. लाइक एक होता है रियल और एक होता है बनावटी. सो क्या ये जिसे हम कहते हैं ना ये क्या रियल स्माइल है या फिर बनावटी स्माइल है. सो वैसा. सो इट इज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन 7 पार्ट्स फॉर इजी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो ये पूरे चैप्टर्स जो है वो 7 रीडिंग में आपको अच्छे से इजी रीडिंग के लिए प्रोवाइड किए गए हैं. वॉटसन जो है सबसे पहले हमारे को बताया डेफिनेशन में. सो वॉटसन जो है वो सर्च कर रहे हैं ब्रिंग्स हिम वॉटसन सर्च ब्रिंग्स हिम टू द कंक्लूजन. जो द एट्रिकलिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रामा का. आप सोच रहे हो एट्रिकलिटी क्या होता है. सो बाय थियेटिकली यस थियेटिकलिटी वॉटसन जो है वो मीन्स करते हैं परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. तो वो कहते हैं मेरे को कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. ही डिफाइंस ड्रामा एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एक्शंस बाय लिविंग पीपल ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. सो वो ड्रामा को एज ए डिफाइन करते हैं एक जो रियल लाइफ मतलब एक लिविंग पीपल जो है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. वो कोई ऐसे नहीं कि पीछे छुप के कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है क्या हो रहा है. सो आपको वो रियल लाइफ में जो है सब कुछ शो होता है. देन यू हैव इज ओरिजिंस एंड यूनिवर्सैलिटी यस. सो आफ्टर अराइविंग एट अ डेफिनेशन ऑफ ड्रामा वॉटसन जो है वो हमारे को ट्रेस करते हैं इट्स ओरिजिन टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन सोसाइटी. सो वो हमारे को बताते हैं कि इन सब का जो है ह्यूमन सोसाइटी पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है. सो ऑब्जर्व कर रहे हैं डेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ड्रामा की वो क्या होती है. इट इज अ कम्युनल आर्ट फॉर्म दैट इज इट रिक्वायर्स अ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. सो हर एक ड्रामा में जो है ना पार्टिसिपेशन जरूर नीडेड होता है. हम जैसे स्कूल में कॉलेजेस में ड्रामाज होते हैं फंक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन लोगों का स्टूडेंट्स का पीपल का चिल्ड्रंस का जरूरी है एंड इट इज कंपल्शन. अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो चाहे वो टीचर्स ही क्यों ना करे एट द सेम टाइम वो भी पीपल है. अगर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो उस स्टेज पे पर्टिकुलर स्टेज पे तो खाली रह जाएगा, वहां पे कुछ और होगा ही नहीं. मे भी हो सकता है कि आप रियल लाइफ पीपल ले लो, आप पपेट्स ले लो. सो पपेट्स हो सकते हैं रियल लाइफ नहीं बट उसको कोई हैंडल तो है, वो तो कोई इंसान ही कर रहा है, वो तो कोई पर्सन ही कर रहा है. सो इसमें पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है फॉर अ पर्सन फॉर अ पीपल फॉर अ चाइल्ड फॉर अ स्टूडेंट फॉर अ कुछ भी, पर वो लिविंग बींग होना चाहिए, उसका एक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वॉटसन जो है हमारे को स्टेट करते हैं दैट ड्रामाज रिलेशनशिप टू द मिथ्स लीजेंड्स एंड फोक ऑब्जर्वेंसेस
of a culture is a major source of its power. So drama जो है ना उसका major क्या होता है, मतलब उसमें कोई ना कोई particular चीज होनी चाहिए, मतलब उसमें चाहे वो myth हो, चाहे वो legends के बारे में, चाहे वो कोई folk observances हो, मतलब like folk होते थे पुराने time की कोई चीजें हो, but उसमें एक particular इंसान का involvement होना बहुत ज्यादा जरूरी है and वही चीज उसका major source है उसकी power का. अब इसमें मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट करके, डेट मीन्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको इसको रटना जरूर है, मतलब मैं रटना इसलिए भी कह रही हूँ, अगर आपको नहीं याद होती है तो रटना तो पड़ेगा ही. सो मिथ्स आर आल्सो प्रोवाइड द सिंबोलिज्म टू कमेंट ऑन द कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेराइट्स हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड ट्रेडिशनल स्टोरीज टू द कंटेम्प्रेरी स्टेज एंड प्रूव्ड दैट द ह्यूमन कंडीशन इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इन स्पाइट ऑफ इट्स वेरियस कल्चरल फॉर्म्स. So, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि मैंने ऐसे मार्क करी है एंड इसके ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इसलिए आपको इसको रटना पड़ेगा या फिर पॉज करके याद भी कर सकते हो. वॉटसन जो है वो स्टेट करते हैं दैट बोथ ग्रीक और इंग्लिश प्लेस जो है वो ओरिजिनली क्लोजली कनेक्ट करते हैं विद द रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब वो रिलीजियस रिचुअल से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं. कौन कौन से प्लेस? ग्रीक एंड इंग्लिश प्लेस. देन वी हैव इज ये कुछ सेल्फ क्वेश्चन वगैरह, सेल्फ चेक क्वेश्चन. सो जब भी यहाँ पे आपको शो होती स्क्रीन पे तो एक बार वीडियो पॉज करके उन्हें रीड कर लिया करो ताकि आपको पता चल सके कि जो भी प्रीवियस पार्ट में आपको समझाया उसको आपको अच्छे से समझ आया या फिर नहीं आया, और नहीं आया तो आप एक बार वापस से उस चीज को देख सकते हो. स्टेज कंडीशंस. सो अब स्टेज की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, स्टेज कैसा होना चाहिए व्हेन यू परफॉर्मिंग सम ड्रामा या फिर कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो ऑन द स्टेज. सो वॉटसन जो है एसर्ट्स करते हैं दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द स्टेज एंड द कंडीशन ऑफ ड्रामा बीइंग प्रोड्यूस्ड. मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे ड्रामा किस स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है. हो सकता है अगर ड्रामा जो है वो सर्कुलर है, लाइक जो हम ड्रामा या फिर नुक्कड़ नाटक जैसे होते हैं, सो अगर हम उसे एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है, हमारे को हमारा जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो हमारा सर्कुलर है. सो स्टेज के पास इतना एक प्लेटफॉर्म, इतना एक एरिया होना चाहिए कि वो उस सर्कल को जो है वो अपने अंदर समा सके, लाइक उस सर्कल को इजिली वो वहाँ पर स्टेज पे रख सके एंड वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो विद द स्टेज या फिर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेज. जो प्ले है वो परफॉर्म होता है इन ह्यूज सर्कुलर एम्फीथिएटर्स विद द ऑडियंस सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड द स्टेज. तो जनरली ड्रामास वगैरह जो प्लेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों ना बीच में स्टेज है एंड पूरी तरफ लाइक बीच में, जैसे हम कह सकते हैं एक बीच में बहुत बड़ा ऐसे सर्कल है, यहाँ पे ऐसे आई थिंक ड्रॉ हो जाए तो आई विल चेक वंस. या सो बीच में ऐसे जैसे सर्कल है एंड इसके साइड में जो है सारे ऑडियंस बैठे हैं, यहाँ पर सारे ऑडियंस बैठे हैं. सो इससे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लाइक अगर आप इधर से देख रहे हो तो इस तरफ वाला इंसान ज्यादा एंगल अच्छा दिखेगा, इधर से देख रहे हो तो इस तरफ वाला एंगल अच्छा दिखेगा, इधर से देख रहे हो तो हर एंगल से आप देख सकते हो. सो ये जो है एक एंगल होता है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग या फिर एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो. सो देन आई विल जस्ट इरेज दिस ऑल एंड जो भी इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखा था तो उसे आप अच्छे से याद कर सकते हो. एंड देन यू हैव इज दिस वन, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Similarly, the Elizabethan age of 16th century was also a circular, albeit smaller and enclosed form one side and much more intimate in its setting. So, इसमें मैंने आपको समझ ऐसे नहीं आ पाएगा अगर मैं पूरा रीड ही करूंगी सिर्फ तो. सो इसमें क्या बताया गया है, Elizabethan stage जो है ना, मतलब जो Elizabethan का stage था 16th century का, वो एक circular था and जो albeit smaller है and जो enclosed है from one side, मतलब एक तरफ से वो पूरा enclosed है and intimate in the setting than the Greek theater. जो स्टेज है वो स्मॉलर इन साइज है एंड अगर स्टेज जो है वो स्मॉल होगा साइज में तो क्या होता है, जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा उनके पास बैठी होगी, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. कहते हैं ना कि जब आप कोई पर्टिकुलर चीज को, प्ले को जो है अगर आप पास से देखोगे सो उसका एक डीप इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में. बट अगर आप दूर से देख रहे हो आपको ज्यादा सीन्स दिखे, ज्यादा कुछ सीन नहीं दिखे, सो उसका इतना डीप इम्पैक्ट नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना पास है, कितनी दूर बैठे हुए हो एंड स्ट्रक्चर जो हुए स्टेजेस का स्ट्रक्चर क्या है. ये एनकरेज करता है एलिजाबेथन प्लेस को टू बी मच मोर फ्लेक्सिबल इन टोन एंड द इमोशंस इट वांटेड टू कन्वे कंपेयर टू द ग्रीक ट्रेजेडीज. जो एलिजाबेथन प्ले है वो कोई भी बाउंड में होते हैं एक्स्ट्रा इंटेंसिटीज ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब उसमें कोई ज्यादा एक्शन प्ले टाइम है ये सब चीजें नहीं होती, वो काफी तक न्यूट्रल और फ्लेक्सिबल होते हैं. मतलब अगर आप उन प्लेस को सुबह भी परफॉर्म कर सकते हो, शाम को भी प्ले कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो. और जो एलिजाबेथन ड्रामा होते हैं थस वाज लेस फॉर्मल देन ग्रीक ड्रामा एंड ये कम फॉर्मल होते हैं देन द ग्रीक ड्रामा. देन यू हैव इज दिस वन, यस उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पता है एक चीज है रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. इस चीज के बारे में बहुत बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में पता चलता है, कई बच्चे आगे ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं उसके बाद पता चल पाता है उन्हें इन दो के बीच में डिफरेंस.
सो व्हाट इज रियलिज्म एंड व्हाट इज नेचुरलिज्म, तो ये आपको अभी से पता होना चाहिए। रट लो, इस चीज को बहुत आगे काम आएगा। एक होता है रियलिज्म, एक होता है नेचुरलिज्म। रियलिज्म जो है, पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ मैं। सो रियलिज्म इज अ मैनर एंड मेथड ऑफ कॉम्पोजिशन बाय विच द ऑथर डिस्क्राइब्स नॉर्मल एवरेज लाइफ इन एन एक्यूरेट ट्रूथफुल वे। सो रियलिज्म क्या होता है, जो ऑथर है ना वो डिस्क्राइब करता है, ऑथर जो है वो आपको पूरा बताता है, वो डिस्क्राइब इन द सेंस बताता है एक एवरेज लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती। ट्रूथफुल वे में, सच्चाई में बताते हैं पूरा। लाइक स्टेट्स होते हैं ना, कॉमेडी शोज होते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, ओपन माइक उसे हम कहते हैं लाइक। तो उसमें क्या होता है, वो आपको कोई ऐसा तो नहीं है वो आपको बिल्कुल रियल लाइफ में सब कुछ करके दिखा रहे हैं, बट वो आपको रियल लाइफ में सब कुछ बता रहे हैं कि आपको रियल लाइफ में ये होता है कि सुबह सुबह आप उठते हो तो इतना परेशान होते हो, इतना दुखी होते हो, एंड वो आपको रियल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, बट वो एक्चुअली में करके नहीं दिखा रहे कि वो सुबह उठे वो बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे करके तो नहीं दिखा रहे। बट नेचुरलिज्म क्या होता है, सो नेचुरलिज्म इज द मैनर ऑफ मेथड एंड मेथड ऑफ कॉम्पोजिशन बाय विच द ऑथर पोर्ट्रेज लाइफ एज इट इज इन अकॉर्डिंग विद द फिलोसॉफिक थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म। सो रियलिज्म में हो सकता है बाय चांस रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिखा सकते हो, बट नेचुरलिज्म क्या होता है, एक रियल लाइफ को बिल्कुल पोर्ट्रे करना, लाइक पोर्ट्रे भी नहीं, रियल लाइफ को आप उसको एक एग्जैक्ट वे में शो करना, जैसे सुबह सुबह उठे हो और उसको आपको दिखाना कि आप सुबह उठे हो आप इतना दुखी हो इतना परेशान हो, बट वो आपको रियल में दिखाना है। आपको ये नहीं है कि आप उसको बता रहे हो कुछ कर नहीं रहे या फिर जैसे ओपन माइक पे बोल रहे हो, तो डैट इज रियलिज्म, बट अगर आप उसे करके दिखाओगे डैट इज नेचुरलिज्म। सो इन दो में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। नेचुरलिस्टिक थिएटर जो है वो हम आपको हेल्प करते हैं प्लेराइट्स को टू ड्रामेटाइज रियल सोशल इश्यूज फॉर स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट। सो द नेचुरलिज्म जो भी होता है वो हमारे मतलब जो नेचुरलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक थिएटर जो है वो हमारे को एक सोशल इशू पे जो स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। मतलब कि हमारे को सिर्फ बोलना बोलना नहीं होता, हम उसमें रियल लाइफ में दिखा सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज इफेक्ट है, इम्पैक्ट है जो भी है। देन वी हैव इज द फिजिकैलिटी ऑफ द स्टेज। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर सेट वर्ड्स एंड मूवमेंट्स गिव्स अ ड्रामा इट्स स्पेशल पावर। मतलब कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक्टिंग में, आपके सेट पे मतलब आपका पूरा मतलब जो एरिया वो आपके वर्ड्स पे आपके मूवमेंट्स पे पूरे कॉम्बिनेशन एक कॉर्डिनेशन होना चाहिए एंड एक स्पेशल पावर जो कि प्रोवाइड करता है एक ड्रामा को, अनेबलिंग इट टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑडियंस सेंसिबिलिटी। तो वो एक डीपर इम्पैक्ट करता है एक ऑडियंस को और उसको वो क्या चीज़ उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, क्या चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है एंड ये सब चीज़ें। इवन द रीडर ऑफ अ प्ले टेक्स्ट एक्सपीरियंस इट इन ऑल इट्स फुलनेस मस्ट एज इट वर परफॉर्म द होल प्ले इन हिज इमेजिनेशन। तो थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हुआ, रीड नहीं हुआ है। सो जो रीडर है, इवन द रीडर ऑफ अ प्ले टेक्स्ट, तो जो एक रीडर भी है, जो भी हम जैसे एज अ रीडिंग हम कर भी रहे हैं, सो हमारे को एक एक्सपीरियंस हो चुकी है ऑफ फुलनेस कि हमने एक अच्छे से पढ़ा है उस टेक्स्ट को। अगर मैं उस चीज़ को अभी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं आपको एक अच्छे से डीपली आपको एक एक लाइन अच्छे से समझा रही हूँ एंड इट मीन्स मेरे को एक फुलनेस है, मेरे को एक फीलिंग नहीं है कि यार नहीं मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ एंड उस बच्चे को भी मतलब क्लैरिटी नहीं है, मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो वो मेरे को फुलनेस नहीं देता एक रीडिंग की एंड वो जो परफॉर्म हो रहा है होल प्ले इन हिज इमेजिनेशन। मतलब एज अ रीडर अगर हम भी रीड कर रहे हैं ना तो हमारा पूरा ये चीज इमेजिन होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक सर्कल है उसमें सारी ऑडियंस पूरे सर्कल में होनी चाहिए, सो ये इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर इमेजिनेशन नहीं होगी तो आप उस प्ले से उस ड्रामा से उस टेक्स्ट से रिलेट ही नहीं कर पाओगे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट कि अगर आप एक इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट हो तो आपको हर चीज इमेजिन करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। The physicality of drama mainly centers on its visual characters. For example, color often used to show contrast. मतलब इसमें जैसे कलर्स होते हैं, अब किसी ने रेड पहन रखा है, किसी ने व्हाइट पहन रखा है, सो व्हाइट हमारे को पता है ये एक शांति का प्रतीक होता है, ये पीस होता है। रेड में पता है करेज होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल, डेंजर एंड फायर। तो हर चीज का कलर का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता रहता है टू द पर्सन या फिर जो भी बच्चा रीड कर रहे हैं या फिर रीड भी नहीं जो बच्चा देख रहा है मेनली, जो पर्सन मेनली देख रहा है उसके ऊपर एक बहुत ही डीपर इम्पैक्ट होता है। तो जनरली जब भी हम एक्टर्स करेक्टर्स को चूज करते हैं तो उनके कलर कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं कि कलर अगर हमारे को ये दिखाना है कि एक तरफ बहुत ज्यादा जैसे हम कहते हैं स्ट्रांग है, दूसरी तरफ वीक भी है, जैसे गर्ल है मतलब वो अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक कहते हैं कि एक लड़की एक टाइम पे सीता भी हो सकती है और दूसरे टाइम पे वो मतलब काली भी हो सकती है। इट्स लाइक कि एक टाइम पे आप बिल्कुल शांत और पीस में हो, दूसरे टाइम पे आप काली जो कि बिल्कुल डेंजर ऐसे बिल्कुल करेजियस है, बिल्कुल
फायर, लाइक इट्स अ फायर टाइप ऑफ थिंग. सो दोनों चीजों का आपको कॉम्बाइन करना है इन द ड्रेसअप एज वेल. प्लॉट एंड एक्शन, एंड आई थिंक ये आपका लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस. सो अकॉर्डिंग टू वॉटसन, जो वेरी करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एक ड्रामा की, वो डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द अदर लिटरेरी फॉर्म्स. सो सबसे मेन चीज है जो फिजिकैलिटी है एक स्टेज की, जो एक्शन टेक प्लेस कर रहा है ऑन स्टेज या फिर जो प्रेजेंस है ऑडियंस की, वो एक लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए. मतलब हमारे को थॉट्स को लिमिट नहीं होना चाहिए उस ऑडियंस को, जो ऑडियंस आपको देख रही है उसको लिमिट नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज, जो भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक घंटे के हो सकते हैं, दो घंटे के हो सकते हैं, मूवीज की तरह तो नहीं होंगे ना तीन तीन चार चार घंटे के, एक घंटा भी बहुत बड़ा होता है ड्रामा. सो अगर ड्रामे जो है इतना बड़ा चल रहा है, तो आपको इतना देख के चलना है कि जो इंसान, जो ऑडियंस बैठी हुई है, वो बोर नहीं होनी चाहिए. वो एक टाइम पे बोर हुई नहीं उस चीज को, वो भूल जाएगी. एंड नेक्स्ट सीन, जो आप, जो आपका मेन होता है ना एक्शन, जो एक्शन टाइमिंग होता है, जो राइजिंग एक्शन टाइमिंग होता है, सो उसका पूरा फ्लो टूट जाता है. तो इसलिए इसमें एक चीज और बताई गई है, जनरली जो ड्रामेटिक एक्शन होते हैं उसमें फाइव फोल्ड्स होते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन या फिर एक्सपोजिशन, जिसमें ऑडियंस को जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे जोसेफ जो है वो भाई है, उसकी बहन जो है वो है, तो ऐसे भाई बहन इन सब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, एंड ऑफिस में है या फिर घर पे है, इन सबको पूरे उनको सजेशन दी जाती है. दूसरा होता है द राइजिंग एक्शन, उसमें हमारे को धीरे धीरे उस प्लॉट को सेट किया जा रहा होता है फॉर द राइजिंग एक्शन, कि मतलब क्या होने वाला है रियल लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होगा. क्राइसिस और टर्निंग पॉइंट, देर आता है कोई क्राइसिस, मतलब कि जो रियल चीज होने वाली होती है वो हो जाती है. जैसे अगर किसी की डेथ होनी है, जो एक राइजिंग एक्शन के लिए तैयारी हो रही थी वो चीज हो जाती है. सो क्राइसिस एंड देन द टर्निंग पॉइंट. और अब होते हैं फॉलिंग, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं इसकी लाइन बनाकर दिखाती हूँ, बिकॉज ये लाइन से मतलब बहुत अच्छा समझ आता है. सो आई डोंट थिंक इसकी लाइन बन पाएगी. सो बिकॉज एक चीज याद रखना, यस या तो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ शॉर्ट में. सबसे पहले क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की. उसके बाद क्या हुआ, एक राइजिंग एक्शन की तैयारी होती है, आप अभी हो राइजिंग एक्शन में, अभी आप इस एरिया में हो. देन क्या होता है, एक सडन क्राइसिस होते हैं, हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई, तो मतलब यहाँ पर जो है किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, जो भी राइजिंग एक्शन है. देन क्या होता है, अब ये टर्निंग पॉइंट की तैयारी होती है, मतलब इस वाले पॉइंट की तैयारी हो रही थी, अभी गिरा नहीं है पूरा. देन होता है फॉलिंग एक्शन, जो एक सडन फॉल होता है. एंड देन क्या होता है, क्लाइमैक्स. सो क्लाइमैक्स जो है ना वो यहाँ पर. तो आपको दो मेन प्लॉट, मतलब दो ड्रामा में जो दो चीजों की मेन थ्योरी थी, एक राइजिंग एक्शन और एक फॉलिंग एक्शन. सो ये जो दो, एक ऊपर जाकर एक सबसे एंड, ये इन दो की तैयारी करनी होती है. एंड देन यू हैव द क्लाइमैक्स. एंड जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे क्लाइमैक्स पे, उसके बाद एक शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन हो सकता है बाई चांस, और वो कई रीडर्स देते, कई रीडर्स नहीं देते, कि अगर डेथ के बाद क्या हुआ. हम जैसे होते हैं ना कि हमारे सीरियल्स अगर हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो एक दो लोगों की पर्टिकुलर डेथ हो गई, तब उनके बच्चों का क्या हुआ, एंड दैट इज द क्लाइमैक्स के बाद वाला एक सीन. सो क्लाइमैक्स के बाद हमारे को सडन एक स्टोरी बता दी जाए कि हाँ एट द एंड वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. देन आई थिंक हमें आगे मूव करना चाहिए. लैंग्वेज ऑफ एक्शन. सो द लैंग्वेज ऑफ एक्शन क्या होता है, व्हाइल द वर्सन जो स्ट्रेस करते हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ थिएटर, ही ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट जो टेक्स्ट है वो क्लियरली हमारे को सारी चीजें बताना चाहिए, मतलब वो हर चीज हमारे को अच्छे से बता सके. ड्रामा जो एक कंपोजिट फॉर्म है, कंपोजिट आर्ट है कम्युनिकेशन की, एंड यहाँ पे हमारे को लैंग्वेज जो है वो इजिली इम्पार्ट करनी चाहिए, मतलब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द पर्सन जो बोल रहा है, एंड विद द पर्सन जो हम ऑडियंस है हम समझ पा रहे हैं उस चीज को. ये हमारे को हेल्प करता है प्लेराइट को, कि वो मतलब प्लेराइट को वो हेल्प करता है कि हम एक अच्छे से समझ पाए उसको, एक अच्छे से ग्रैस्प कर पाए उस पर्टिकुलर चीज को. एंड लैंग्वेज जो हेल्प करता है टू एलिवेट अ कॉमिक सीन थ्रू विटिसिज्म, मतलब वो हमारे को एक राइजिंग एक्शन एंड फॉलिंग एक्शन जो है उनसे सबसे रूबरू करवा पाता है. रूबरू मतलब समझ पा रहे होगे. कुछ ड्रामेटिस्ट जो है वो यूज करते हैं वर्ड्स जो कि एंचेंट होते हैं ऑडियंस के, जैसे कि हम कई बार क्या कहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्ले या कोई ड्रामा हो गया और उसका क्या होता है, एक सडन ब्रेक होता है, एक सडन 10 सेकंड का बिल्कुल पॉज होता है. उस समय क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक सेकंड. सो इसका मतलब क्या होता है कि मेनली जैसे हमने एक प्ले या फिर ड्रामा परफॉर्म किया और उसका एक 10 सेकंड तक लोग बिल्कुल चुप रहे, तो क्या होता है कि मतलब लोगों ने कितना उस चीज को समझा या कितनी उस चीज के बारे में लोगों को समझ आया. देन वी हैव इसके रिमार्केबल इम्पैक्टफुल, मतलब एक चीज होती है, मतलब इम्पैक्टफुल चीज सीन होता है आपके माइंड में. देन वी हैव हिज वर्सेस आल्सो एनेबल्स द प्लेराइट टू फोकस सॉलिडली ऑन द एसेंशियल इश्यूज और आइडियाज ऑफ हिज और हर रिप्लेस एंड रीअफर्म द मॉरल टोन ऑफ द प्ले.
मेनली वर्सेस जो हमारे को मेनली यही बताया गया कि व्हाट इज वर्सेस, एंड वर्सेस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ वर्सिफिकेशन वाले टेक्स्ट में, तो उसके लिए आप ये वो चीज रीड कर सकते हो, फिर वीडियो को देख सकते हो। रीडिंग एंड सी, सो एज अ टेक्स्ट वेटिंग टू बी बॉट ऑफ लाइव ऑन स्टेज। सो एक रीडिंग और सीइंग, मतलब एज अ रीडर या फिर हम जो देखते हैं, हमारे को हर चीज को इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वॉटसन जो है इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं विद एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरप्ले ऑफ रीडिंग एंड परफॉर्मिंग प्ले, मतलब एक रियल लाइफ को आप परफॉर्म कर पा रहे हो, एंड इसी के साथ जो है वो इस चीज को एंड करते हैं। एट द एंड ये जो टेक्स्ट की एक इंपॉर्टेंट लाइन आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू, एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। एंड यस, वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो 50 लाइक्स का है, तो यस जल्दी से जल्दी जो है उस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देना। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर कमेंट्स में आपको कोई भी क्वेरी था वो चीज पूछ सकते हो। अब ये रीडिंग जो है मैं उसको कर लेती हूँ रीड, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। गुड रीडिंग विल हेल्प गुड सीइंग, गुड सीइंग विल हेल्प गुड रीडिंग। द क्रूशियल थिंग टू रियलाइज इज टू रियलाइज दैट ड्रामा इज अ हाइब्रिड आर्ट फॉर्म, इट्स लॉन्गेविटी थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री सजेस्ट्स इट इज अ हेल्दी वन। सो इसमें मेरे को ये बताया गया कि जो गुड रीडिंग है वो मेरे को, अगर आप गुड रीड कर रहे हो तभी आप जो है अच्छे से सी कर किसी भी चीज़ को इमेजिन कर पाते हो। जैसे अगर कई टेक्स्ट ऐसे होते हैं जैसे मैं अभी भी अच्छे से रीड नहीं कर पा रही हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो अगर अच्छी रीडिंग नहीं है तो आप जो अच्छे से इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप इमेजिन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इट मीन्स कि आप अच्छे से रीडिंग नहीं कर रहे हो। सो क्रूशियल थिंग जो है एक ड्रामा की वो एक हाइब्रिड आर्ट फॉर्म है, आपको उसमें रीडिंग और सीइंग इमेजिनेशन दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट पे चाहिए। और जो इसकी लॉन्गिटिविटी है थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री सजेस्ट इट इज अ हेल्दी वन, कि मतलब अगर ये चीज आपको इम्पैक्ट कर रही है, अगर आपको ये चीज याद रह रही है, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा अच्छा टेक्स्ट है ये, और बहुत ज्यादा अच्छे से आपने इस चीज को रीड किया है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, सेल्फ चेक क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से रीड कर लेना, एंड इनको अच्छे से प्रिपेयर करने जाना फॉर योर एग्जाम्स। स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।